हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंड स्क्रीन एनोटेशन एंड ऑडियो ये तीनों आइकन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इंड स्क्रीन एंड एनोटेशन की ओर जा रहे हैं। इन दोनों में ये है कि एक ही वीडियो में ये दोनों फीचर यूज नहीं हो सकते, या तो इंड स्क्रीन यूज होगा या एनोटेशन यूज होगा। तो हम सबसे पहले एनोटेशन की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे क्या करना है कि अपनी वीडियो चलानी है और हमें कहाँ पे ये एक नोट लगा के लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पीच बबल उठाया हुआ है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे स्पीच बबल डालना है, कहाँ पे आपको नोट डालना है कि आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, कहाँ पे ये आप डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने हाई करके डाला हुआ है, तो अब जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट होती है उसका एक स्पीच बबल आता है जिसमें हाई करके उसने बोला है। तो ये एनोटेशन मतलब एक नोट या वीडियो में ही कुछ टेक्स्ट लिख के डालना होता है। सेकेंड वीडियो में हम एंड स्क्रीन को लेंगे। एंड स्क्रीन का वीडियो छोटा नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक टेम्पलेट चूज करना है। टेम्पलेट में हमें यह ध्यान देना है कि हमें कितनी वीडियो अपनी लास्ट के स्क्रीन में दिखानी है। अगर आप एक दिखाना चाहते हैं तो आप एक वाला उठाइए, दो चाहते हैं तो दो उठाइए। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये टेम्पलेट उठाया है जिसमें सिंगल स्क्रीन है और एक आइकन के लिए है। यहाँ पे हम एडिट करेंगे, ये भी खाली है। सबसे पहले हम इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैं जो भी वीडियो लगानी है, लास्ट में कौन सी वीडियो शो करनी है या अपने यूज़र तक कौन सी वीडियो शो कराना चाहते हैं ये डिसाइड करेंगे। तो हमने इस वीडियो को डिसाइड किया है कि ये हमारे वीडियो में लास्ट मोमेंट में आए, तो हमने इसको लगा दिया है। और यहाँ से प्रीव्यू करके ये देखते हैं कि कब से ये शुरू होगी और कैसा दिखाई पड़ेगा। तो हमारे लास्ट में ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ग्रिड का भी है, आप ग्रिड से बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स को। शो ग्रिड्स करके एक आइकन ऊपर है, आप अपने आइकन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और मूव भी करा सकते हैं। अब हम ऑडियो के में आइकन में आ गए हैं। ऑडियो का आइकन वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। जो भी वीडियो आपको पसंद आए आप सॉरी जो ऑडियो पसंद आए आप वहाँ पे जाइए। जैसे मैं चिल्ड्रन का ले रही हूँ कि कुछ चिल्ड्रन जैसा समथिंग वीडियो मुझे चाहिए, उसे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे उसको डाउनलोड करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। जब क्लिक करेंगे तो वो आपको गाना सुनाई पड़ेगा। आपको यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं कि वो सिर्फ इतनी देर तक ही साउंड करे। तो आप टाइम लिमिट भी बना सकते हैं अपनी वीडियो में। ये ऑडियो का बहुत ही सिंपल था। यहाँ से सेव करें, थोड़ी देर सेव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सकें।